नमस्कार एंड वेलकम टू रस्मे रसोई। मैं हूं शेफ निखिल। बच्चों से अगर कोई काम करवाना हो या उनको किसी काम में इन्वॉल्व करना हो तो मिठाई से मीठा बहाना है कहाँ। तो चलिए इसी मीठे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं रोस्टेड एप्पल्स विद फ्रेंच टोस्ट। और इसके लिए हमें चाहिए अंडे, हमारे पास यहाँ पर सेब है जिसको हमने पहले स्लाइस में काट के बीच से उसे कोर कर रखा है। तो अगर आपके पास कूपर है या कोई ऐसा कोई ढक्कन है जो इतना कटर है आपके पास, उससे आप इसका कोर हटा सकते हैं। और इसको हमने शुगर सिरप यानी कि चाशनी और नींबू के मिक्सचर में रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर है चीनी, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा मक्खन, वनीला एसेंस, हमारे पास है यहाँ पर जायफल का पाउडर यानी नटमेग पाउडर, हमारे पास यहाँ पर है दूध और फ्रेंच ब्रेड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल डिश है, बेक्ड डिश है, ऑयल बहुत कम यूज होता है इसमें, तो बच्चों को आई होप बहुत पसंद आएगी। पहले लेते हैं फ्रेंच ब्रेड और उसको स्लाइसेस में काट लेते हैं। तो हम करीब 1 इंच मोटी स्लाइसेस काटेंगे फ्रेंच ब्रेड की, ये देखिए इस तरह से। और हम लेंगे एक बेकिंग डिश, इसके अंदर हम ये स्लाइसेस प्लेस कर देते हैं इस तरह से। अब चलते हैं मिक्सिंग बोल की तरफ। हमारे पास यहां है मिक्सिंग बोल और इसके अंदर हम 4 अंडे तोड़ लेते हैं। ये लीजिए, हमने यहां पर 4 अंडे तोड़ दिए हैं। ये डिश मीठी तो है ही, साथ में न्यूट्रिशन से भरपूर है क्योंकि इसमें अंडा है, दूध है, तो प्रोटीन्स बहुत है इसमें, बढ़ते बच्चों के लिए एकदम आइडियल है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो लीजिए इसमें हमने 1.5 कप दूध भी डाल दिया। अब हम इसमें डाल देते हैं जायफल का पाउडर करीब 1/4 चम्मच और इसमें डाल देते हैं ये वनीला एसेंस, ये भी करीब 1/4 चम्मच है। वनीला एसेंस हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अंडा डाला हुआ है और बेक करने के बाद, क्योंकि एक बेकिंग डिश है, बेक करने के बाद इसमें अंडे की स्मेल ना रह जाए इसलिए उसे हटाने के लिए हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं चीनी 4 चम्मच और अब हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। तो चलिए ये मिक्सचर हमारे पास रेडी है। अब ले चलते हैं इसे इस बेकिंग डिश की तरफ और इसके ऊपर इस तरह से इसे आधा पोर कर देते हैं, इतना कि सारी की सारी फ्रेंच ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर चला जाए। अब हम इसके ऊपर रखते हैं ये एप्पल्स जो हमने यहां पर ऑलरेडी काट कर उसका बीज का कोर निकाल कर रखे हुए हैं। इस तरह से आप इस पे एप्पल्स प्लेस कर दें। अब हम इसके ऊपर बाकी का मिक्सचर डाल देते हैं। ये लीजिए, अब हम इसके ऊपर ये जो सिनेमन पाउडर है या दालचीनी का पाउडर, इसे स्प्रिंकल कर देते हैं क्योंकि एप्पल्स और सिनेमन का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए इस तरह से। और अब इसके ऊपर ये जो बटर है ये रख देते हैं थोड़ा थोड़ा हर एप्पल के ऊपर, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए जब ये मेल्ट हो, थोड़ी और रिचनेस मिलेगी इससे। ये लीजिए डिश तैयार है ये बेक होने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर। इसे करीब हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, इसके अंदर का जो अंडा है वो पक नहीं जाता, ये थोड़ा फर्म हो जाएगा, तब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो रख देते हैं इसे ओवन में। तो चलिए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, अब इस डिश को ओवन में से निकाल लेते हैं। ये लीजिए तैयार है हमारे पास रोस्टेड एप्पल्स विद फ्रेंच टोस्ट, जो आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म एक स्कूप आइसक्रीम के साथ। रोस्टेड एप्पल विद फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेंच ब्रेड 6 स्लाइसेस, अंडे 4, दूध 1.5 कटोरी, जायफल पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, वनीला एसेंस 1/4 छोटा चम्मच, चीनी 4 बड़े चम्मच,
कटे सेब 4 स्लाइसेस, दालचीनी पाउडर आधा छोटा चम्मच, मक्खन 2 छोटे चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी में अंडा, दूध और जायफल का पाउडर लें। इस पर वनीला एसेंस और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब फ्रेंच ब्रेड के पीसेस को एक बेकिंग डिश में रखें, ऊपर से दूध और अंडे का मिक्सचर डालें। इसके बाद कटे हुए सेब रखें। अब अंडे और दूध का बाकी मिक्सचर डालें, फिर पिसी दालचीनी का पाउडर डालें। सेब पर थोड़ा सा मक्खन रखें, 300 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक बेक करें और ठंडा करके सर्व करें।